हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बहुत ही टेस्टी प्याज की सब्जी बनाएंगे, तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए, आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये मैंने 5 प्याज को छील लिया है, इन्हें हम अभी अलग रखेंगे। हमने एक जार में 2 टमाटर को काट लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है उसको भी काट लिया है और एक हरी मिर्च को काट लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। प्यूरी बनके तैयार है। अब हम एक पैन में सरसों का तेल डाल लेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसे गरम करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे एक एक करके। ये मैं 1/4 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और प्यूरी को 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, जिससे ये अच्छे से भुन जाएगी। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, जिससे कि इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। और इसमें मिला लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और पानी को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अब हम प्याज को डाल देंगे। और प्याज को 4 से 5 मिनट तक ढककर पकने देंगे, जिससे प्याज गल जाएगी। पाँच से छः मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक बार पलट लेंगे। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला, 1 थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े और 1 हरी मिर्च को लंबा काट लिया है।
इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। आपको कंसिस्टेंसी जैसी रखनी हो आप वैसी रख सकते हैं, पतली करनी है तो थोड़ी पतली भी कर सकते हैं। वैसे ग्रेवी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। इसे 2 मिनट ढककर और पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे सर्व करेंगे। इसे धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे। कितनी अच्छी लग रही है सब्जी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस सब्जी को आप कभी भी बना सकते हैं जब घर में कोई दूसरी सब्जी ना हो। सभी को ये सब्जी बहुत पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और भी ऐसी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।